अस्सलाम वालेकुम। ये तो जिम के ऑनर से मिलना है। जिम के ऑनर? ये जिम के ऑनर हैं। जी जी बोले हुकुम करे। जी दरअसल मैं ना एक बहुत ही मजबूर लड़की हूँ, तो मैंने सुना है आपका जिम को है। अगर आपको जिम में लड़कियों के लिए इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत हो तो। जिम को तो है लेकिन यहाँ कोई लड़की आती नहीं है। ओए दफा उधर दूर मर जाके उधर कर एक्सरसाइज। देखिए यहाँ इन जिनों के साथ कौन सी लड़की एक्सरसाइज करना चाहेगी, बताएं मुझे आप। हाँ बस इधर पर मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। क्या करें, उम्मीदों तो टूटने के लिए होती है ना। आप तो नहीं पता मैं बहुत ही गरीब लड़की हूँ, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ कोई लड़की आती ही नहीं है। ये छछुंदर पाले हुए हमने, ये देखे क्या कर रहे थे। एक्सक्यूज मी सर, ये तो पागल हो गया है क्या? हो सकता है सिर्फ इसीलिए लड़कियां ना आती हैं क्योंकि हमारे पास कोई फीमेल इंस्ट्रक्टर नहीं है। इसके आने से लड़कियां भी आ जाएंगी। हैं क्या बात कर रहे हो ना, मॉडल तो लग रही है। अबे लड़कों को कैसे कंट्रोल करेंगे फिर? छोड़ यार, सब कुछ हो जाएगा। हम टाइमिंग अलग कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे, कुछ कर लेंगे यार, सब सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। वो बात मजबूरी की लग रही है, पैसे कम देगी यार। ओके एक काम कर, पार्टनरशिप कर ले, 80-20, 80-20। वो देख ले यार। अबे देख लिया मैंने यार, कोई नहीं फंसेगा। आज देखिए मिस बिल्लो, ठीक है आप ज्वाइन कर सकती हैं। अबे जोजो देख, एक सनफे नाजुक के आने से कैसी बहार आ गई है जिम में। वो तो देख रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, राज से पूछना पड़ेगा। अबे चल के पूछना पड़ेगा। अबे कभी तो कोई काम खुद कर लिया कर मेरे भाई। कोई ऐसा काम कर कि फरहाद तुझ पे फख्र करे। अबे लेकिन यार वो लड़की है, क्या करेगी इस जिम में? कपड़े धोएगी, एक्सरसाइज करवाएगी यार, और क्या करेगी? तेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हाँ बोल तो सही रहा है तू। ठीक है जोजो, मैं कल से ऑफिशियली जिम ज्वाइन करती हूँ। ठीक है जी, आपका अपना जिम है, आप आज ज्वाइन करें, कल ज्वाइन करें, परसों ज्वाइन करें, यही रह जाए। आपके आने से तो जैसे रौनक आ गई है जिम में। हाँ जैसे बाहर आ गई है ना। वाकई। ठीक है मैं फिर चलती हूँ, कल आती हूँ।